मोदी आज जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। आयुष्मान भारत योजना अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। डीडीसी यानी जिला परिषद चुनाव में जनता ने नंबर वन पार्टी बनाकर बीजेपी को तोहफा दिया, तो मोदी सरकार रिटर्न गिफ्ट में जम्मू कश्मीर की जनता को सेहत का तोहफा देने जा रही है। बहनों, आज आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। जिस योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2018 को देश के गरीब लोगों के लिए हुई थी, उस योजना का फायदा अब जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम की शुरुआत करेंगे। इस योजना को पीएम जय सेहत स्कीम भी कहा जाता है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। मतलब ये कि पीएम जय सेहत स्कीम में हर परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेगा। इस योजना का फायदा देश भर में कहीं भी लिया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में 24,148 अस्पताल हैं, जहां इलाज करवा सकेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। इस योजना के लिए 21 सितंबर 2020 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अभी तक 14 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देश में लागू योजना करीब 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों के लिए थी, लेकिन इस स्कीम में सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखे बिना जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को लाभ पहुंचाया जाएगा। यानी कि प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ लोग इस योजना से फायदा ले सकेंगे। आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।